के मजहब को परेशान करना, किसी को टारगेट कर लेना, मुस्लिम समुदाय को टारगेट। और ये बताएं कि शुरुआत से लेके आखिर यही सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? कभी सिख हिंदू का झगड़ा सुना, कभी ईसाई मुस्लिम का झगड़ा सुना, कभी सिख और मुस्लिम का झगड़ा सुना, ये हिंदू मुस्लिम क्या है? आज ये भारत कहाँ जा रहा है? क्या यहाँ पे हर समुदाय के लोग नहीं रहते? क्या सिर्फ हिंदूवादी को बदनाम करने की कोशिश या कहीं मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश? तो क्या ये साजिश के तहत हो रहा है या एक नोट और वोट कमाने के चक्कर में हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के वजह से हो रहा है? तो मैं यही चाहूंगी कि अगर आप है राजनेता, अगर आप राजनीति में जो लोग है, मैं उनसे अपील करूंगी कि बंद करें नफरत फैलाना, रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बच्चों के भविष्य पर, इन चीजों पर ध्यान। हमने तो अभी किसी से टारगेट नहीं किया कोई मंदिर को, जैसे हमारे तरफ बालाजी मंदिर है, अभी हम ये बयान दे दें आपको कि हम बालाजी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे क्योंकि इसके नीचे मस्जिद मिली है, या इसके नीचे आपने देखा होगा कहीं कहीं मंदिरों पर ताख बने हुए हैं, कहीं कहीं जगहों पे मंदिरों में ताख बने हुए, तो उन ताखों पे जाकर हम अगरबत्ती सुलगा दे और कह दे हमारे बड़ों की मजार थी यहाँ पर, यहाँ हमारी मस्जिद ठीक करेंगे। और रही बात मुगलों की, उन्होंने बनवाया जो चीजें बनवाई वो एक ऐतिहासिक चीजें हैं, वो भारत को सम्मान देने वाली चीजें, भारत का ओहदा ऊंचा करने वाली चीजें, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ये बड़ी बड़ी चीजें आपने देखा जगह जगह पे, तो ये इससे हमारे भारत की शान बढ़ी। इससे विवाद कैसा, कौन लेके जा रहा है अपने कब्र में, कौन लेकर जाएगा? मुमताज तो अपने कब्र में लेकर गई नहीं ताजमहल, तो कौन हिंदूवादी कब्र में लेके जाएंगे या मुस्लिम कब्र में लेके जाएंगे? ताजमहल कौन कब्र में लेके जाएगा? मुझे लगता है चुनाव का नाम बदल के महाभारत रख देना चाहिए। आपको बता दें उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल है, बाबरी मस्जिद के बाद मथुरा वाली मस्जिद, उसके बाद ज्ञानवापी मस्जिद, अब टीले वाली मस्जिद को कहा यह जा रहा है कि लक्ष्मण टीला है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ झांसी की रानी कहे जाने वाले उज्मा परवीन जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी शुक्रिया मैडम। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माहौल है, पूरे देश में जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाई जा रही है, कैसा देखते हैं कि जिस तरीके से जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको बताया जा रहा है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, टीले वाली मस्जिद को बताया जा रहा है कि ये लक्ष्मण टीला था, कैसे देखिए? हम ऐसे देखते हैं कि सरासर संविधान का उल्लंघन है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिन चीज़ों को बताया जाता है लॉ में कि इस तरह से ये तब्दील नहीं होने चाहिए, कोई भी इबादतगाह है चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, किसी की मस्जिद तोड़कर मंदिर ना बनाया जाए लॉ के अकॉर्डिंग, जैसे कि आप सबको पता है, हम सबको पता है। तो इस तरह की ये जो नापाक साजिशें करी जा रही है, सिर्फ एक महज हिंदू मुस्लिम की नफरत को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है, और अपनी जो मस्जिदें हैं उनके ज़बरदस्ती आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ मंदिर था, ये था, वो था, कहीं पर शिवलिंग निकल आता है तो कहीं पर कुछ हो जाता है। तो इस तरह की देखिए हरकतें अच्छी चीज़ नहीं है। देखिए चाहे वो नेता हो, चाहे वो कोई भी सांसद हो, विधायक हो, या ऑल जितना भी है भारत में, जितनी भी आज राजनीति पार्टियां, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि इस तरह की नफरत फैलाने के काम बंद करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी चाहे अपोजिशन पार्टी हो। मैं दोनों से ही कहूंगी कि हिंदुस्तान में अमन रहने दिया जाए। बहुत ज्यादा नफरतें लोगों के दिलों में बढ़ चुकी है। इस वक्त का जो माहौल चल रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे वो कहीं भी भारत में हो, एक नफरतें जन्म ले रही हैं। एक दूसरे को लोग देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम मोहब्बत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम उसी तरह से काम कर रहे हैं जैसे हम कर रहे थे, हर समुदाय के लिए, हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि माहौल को खराब क्यों कर रहे हैं, इस तरह का बयान देकर, इस तरह की टिप्पणी करके कि हम आ रहे हैं टीले वाली मस्जिद। जो संगठन है हिंदुत्व, चाहे वो आरएसएस के संगठन हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, इस तरह की शर्मनाक हरकत करना अच्छी चीज नहीं। किसी के मजहब को परेशान करना, किसी को टारगेट कर लेना, मुस्लिम समुदाय को टारगेट। और ये बताएं कि शुरुआत से लेके आखिर यही सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों होता है? कभी सिख हिंदू का झगड़ा सुना, कभी ईसाई मुस्लिम का झगड़ा सुना, कभी सिख और मुस्लिम का झगड़ा सुना, ये हिंदू मुस्लिम क्या है? आज ये भारत कहाँ जा रहा है? क्या यहाँ पे हर समुदाय के लोग नहीं रहते? क्या सिर्फ हिंदूवादी को बदनाम करने की कोशिश या कहीं मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश? तो क्या ये साजिश के तहत हो रहा है या एक नोट और वोट कमाने के चक्कर में हो रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के वजह से हो रहा है? तो मैं यही चाहूंगी कि अगर आप है राजनेता, अगर आप राजनीति में जो लोग है, मैं उनसे अपील करूंगी कि बंद करें नफरत फैलाना, अब रोजगार पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बच्चों के भविष्य पर, इन चीजों पर ध्यान दिया जाए। क्या लगता है कि कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे नफरती भाषा का प्रयोग करते हैं या
जो भी मस्जिद होती है, कहीं भी मस्जिद हो, कह रहे हैं कि यहाँ पहले मंदिर थी, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। देखिए हर समुदाय में पाए जाएंगे आपको नफरत फैलाने वाले, चाहे वो हिंदू समुदाय हो या मुस्लिम समुदाय हो या कोई सिख समुदाय हो, ईसाई समुदाय, कहीं ना कहीं नफरत फैलाने वाले लोग जन्म लेते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो अभी बयानबाजी चलती चली आ रही है, मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाने की, तो ये हिंदूवादी संगठनों की तरफ से आ रही है, RSS हो, चाहे हिंदू अखिल भारती हो, चाहे वो हिंदुत्व संगठन हो, इन संगठनों के पास से ये खबरें आ रही हैं। हमने तो अभी किसी से टारगेट नहीं किया कोई मंदिर को, जैसे हमारे तरफ बालाजी मंदिर है, अभी हम ये बयान दे दें आपको कि हम बालाजी मंदिर तोड़कर मस्जिद बना रहे, क्योंकि इसके नीचे मस्जिद मिली है, या इसके नीचे आपने देखा होगा कहीं कहीं मंदिरों पर ताख बने हुए हैं, कई कई जगहों पे मंदिरों में ताख बने हुए, तो उन ताखों पे जाकर हम अगरबत्ती सुलगा दे और कह दे हमारे बड़ों की मजार थी यहाँ पर, यहाँ हमारी मस्जिद थी, तो इस तरह की, देखिए सिर्फ उधरी समुदाय से आ रहा है, हिंदू समुदाय से। वो तो ये कहते हैं ना कि औरंगजेब मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए थे। देखिए मुगलों की बात मत करें, यहाँ मुगल सल्तनत नहीं चल रही है, यहाँ जो चल रहा है देश का कानून चल रहा है, संविधान चल रहा है, तो संविधान से चलें, हम मुगलों के उस पर नहीं जा रहे हैं। मुगलों को सही मानते हैं गलत? देखिए मुगल ने क्या किया, अंग्रेज ने क्या किया, या भगत सिंह या बड़े बड़े अशफाकुल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, हम इन लोगों की अगर बात करने पर आएंगे तो जो अपने देश के लिए लड़े हम उनके लिए भी बात करेंगे। और रही बात मुगलों की, उन्होंने बनवाया जो चीजें बनवाई वो एक ऐतिहासिक चीजें हैं, वो भारत को सम्मान देने वाली चीजें, भारत का ओहदा ऊंचा करने वाली चीजें, चाहे वो ताजमहल हो, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, ये बड़ी बड़ी चीजें आपने देखा जगह जगह पे, तो ये इससे हमारे भारत की शान बढ़ी, इस पे विवाद कैसा? यही तो विवाद है ना कि ताजमहल के नीचे मंदिर तोड़कर कौन लेके जा रहा है, अपने कब्र में कौन लेकर जाएगा? मुमताज तो अपने कब्र में लेकर गई नहीं ताजमहल, तो कौन हिंदूवादी कब्र में लेके जाएंगे या मुस्लिम कब्र में लेके जाएंगे? ताजमहल कौन कब्र में लेके जाएगा? विवाद कैसा, कौन किसकी संपत्ति में आ रहा है? हाँ तो कहीं ना कहीं ताजमहल पे भी आरोप लगा, और जो है नाम है बहुत सी जगहों पे आरोप लग रहा है, लाल किले पे लग रहा है, मस्जिदों ज्ञानवापी हो गई, टीले वाली मस्जिद हो गई, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं मस्जिद हमारे, तो इन चीजों पर विवाद करने से पहले थोड़ा सा कहीं ना कहीं सोच लें कि क्या आप इसको अपने साथ लेकर जाएंगे या यहाँ छोड़ कर जाएंगे? सिर्फ नफरतें बांटना मतलब आपका शौक हो गया है या आपका पेशा हो गया है? तो मैं ये उन हिंदूवादी संगठनों से और चाहे वो मुस्लिम के कोई संगठन हो, हर एक से मैं यही कहना चाहती हूँ, नफरत बांटना खत्म कीजिए, मोहब्बत से रहिए, मेल से रहिए, प्यार से रहिए, और अदर कंट्री में भी देखिए जाकर कि लोग कैसे रहते हैं, हर समुदाय के लोग, हर मजहब के लोग कैसे आपस में मिलकर रहते हैं। सिर्फ एक हिंदुस्तान को विवादित मुद्दा बना दिया गया, मुझे लगता है चुनाव का नाम बदल के महाभारत रख देना चाहिए, उसे चुनाव नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब जब चुनाव आता है तब तब एक महाभारत होती है और वो हिंदू मुस्लिम के बीच में होती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर इसी तरह की महाभारत होती रही तो ऐसे चुनाव का क्या फायदा, ऐसे लोकतांत्रिक देश का क्या फायदा, जब बार बार नफरतें फैलाई जाएं।